हेलो गाइस, आई एम ओजिल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है हमारा ECM ट्रेनिंग क्लास 49। तो अगर आप इससे पहले 48 का सर्किट आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसी का जो है फीडबैक जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फीडबैक, जैसा कि कोई भी इंजेक्टर सेक्शन हो, किसी का फॉल कोड जो है बनता है कि इंजेक्टर नंबर 1, इंजेक्टर नंबर 2, इंजेक्टर नंबर 3, लो सर्किट, हाई सर्किट, इंटरमीडिएट, बहुत सारे फॉल कोड बनते हैं। तो उसका फॉल कोड जो है उसको कैसे पता चलता है, ECM को कैसे पता चलता है कि जो है ये फॉल्ट कोड जनरेट करना है, तो उसी फॉल्ट कोड को जो है किस तरह वो जो है फीडबैक लेता है, उसका उसका जो है सर्किट कैसे पता करता है, वही चीज़ को जो है मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और MOSFET को जो है किस तरह चेक करते हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए पहला जो है हम लोग MOSFET को ही टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है मैं इसका वर्किंग आपको बताऊंगा। तो टेस्टिंग करने का जो है बहुत सिंपल तरीका है, आपको जो है ये MOSFET ले लेना है। इसमें जो है बोर्ड में जो है लो साइड सेक्शन, ये मेरा लो साइड का सेक्शन है, तो इसके अंदर का जो MOSFET है उसको जो है आपको देख लेना है। और उसको जो है टेस्टिंग करने का तरीका जो है कुछ ऐसा है कि आप मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को जो है कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखना पड़ता है, बीप, जिसको हम लोग बोलते हैं बीप मोड। तो कॉन्टिन्यूटी से जो है हम लोग इसको जो है बीप मोड पर रखेंगे। ये थोड़ा मैं नीचे लगा दूंगा, इसको जो है बीप मोड पर रखेंगे। अब ये दो प्रोब को मैं टच करूंगा तो देखिए बीप आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है बीप पे रखना है। और MOSFET का जो है ये गेट है, ये गेट है और ये सोर्स है, ये ड्रेन है। ये लास्ट वीडियो में जो है बता चुका हूं मैं कि ये गेट है, ये सोर्स है और ये जो है ड्रेन है। गेट क्या होता है, एक दरवाजा होता है जो किसके द्वारा, इंजेक्टर ड्राइवर के द्वारा जो है इसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो जब गेट और सोर्स का जब रीडिंग देखोगे तो ये जो है कुछ नहीं आएगा, जैसा आप शो करोगे तो ये कुछ नहीं शो करना चाहिए, ठीक है। गेट और सोर्स जैसा कि रेड वाला जो प्रोग है हमारा, उसको जो है मैं गेट पर रखूँगा, सोर्स पर रखूँगा, और ब्लैक वाले को जो है मैं गेट पर रखूँगा, तो कुछ रीडिंग नहीं शो करना चाहिए। सेम हर MOSFET पे देखिएगा, कुछ रीडिंग नहीं शो करना चाहिए। अगर कुछ रीडिंग शो कर रहा है इसका मतलब कि हमारा जो MOSFET है वो वीक है या डैमेज है या ख़राब है इस सूरत में। और जब जो है हम लोग सोर्स से ड्रेन की तरफ जब चेक करेंगे तो भी कुछ रीडिंग नहीं आना चाहिए, क्यों, ये ब्लैक टर्मिनल जब हम लोग इस पे सोर्स पे रखेंगे और रेड टर्मिनल जो है मल्टीमीटर का वो हम लोग ड्रेन पर रखेंगे, तो कोई रीडिंग जो है शो नहीं करना चाहिए, कोई रीडिंग जो है शो नहीं करना चाहिए। देखिए सेम जो है ये नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब जो है मैं इसको उल्टा करूँगा तो सिर्फ वन साइड जो है रीडिंग शो करना चाहिए, और जो रीडिंग जो है तीनों का जो है एकदम सेम, एकदम बराबर रीडिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मेरा जो ये रेड मल्टीमीटर का जो रेड टर्मिनल है उसको मैं सोर्स पर रखूँगा और ब्लैक जो है मैं ड्रेन पर रखूँगा, तब देखिए जो है इसका रीडिंग आ रहा है 334। अब दूसरा जो है ये हमारा ये सोर्स है और ये ड्रेन है, इसका देखिए जो है ये भी आ रहा है 334। और ये हमारा इस MOSFET का ये जो है सोर्स है और ये जो है ड्रेन है, तो यहाँ पर भी देखिए 335 आ रहा है, और यहाँ पर भी देखिएगा तो आपको 335 आ रहा है। इसका मतलब कि ये तीनों का रीडिंग जो है सेम आ रहा है, मतलब एक नंबर का डिफरेंस है तो उसको जो है डिफरेंस नहीं माना जाएगा, ये तीनों का रीडिंग सेम आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो MOSFET है ये ओके है, बिल्कुल जो है ओके है, इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब जो है हम लोग चेक करेंगे कि इसका जो वर्किंग है ये किस तरह काम करता है ये, और कैसे जो है ECM को पता चलता है कि हमारा जो है ये कौन सा फॉल्ट क्रिएट करेगा। तो ये जो है हमारा हो गया इंजेक्टर ड्राइवर, ठीक है, ये इंजेक्टर ड्राइवर हो गया, ये लो साइड का इंजेक्टर सेक्शन हो गया। हमने लो साइड इंजेक्टर सेक्शन जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका फीडबैक का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो ये फीडबैक है इसका कुछ इस तरीके से है कि जैसा मैं आपको बताया हूँ कि जब यहाँ पर जो है ऑलरेडी सबके सोर्स पर जो है हमारे को ग्राउंड मिलेगा, ये ग्राउंड जो है एक फ्यूज रेजिस्टेंस, एक यहाँ पर जो है ये फ्यूज है, ये फ्यूज रेजिस्टेंस यहाँ पे रहता है, इसके थ्रू जो है यहाँ का ग्राउंड
इस पर आता है। तो सबसे पहले जो है अगर ग्रुप में फॉल्ट कोड बनता है ग्रुप में, तो सबसे पहला जो है ये चीज़ को चेक किया जाता है और इसका फीडबैक, अगर ये चीज़ ख़राब रहेगा तो इसके फीडबैक से जो है इंजेक्टर ड्राइवर को पता चलता है, और इंजेक्टर ड्राइवर कमांड किसको देता है, प्रोसेसर को, और प्रोसेसर जो है समझ जाता है कि हाँ मेरा जो है ये फ्यूज़ डैमेज है, तो इसका फॉल्ट कोड क्रिएट कर देता है। तो इसके अंदर आप देखोगे ध्यान से थोड़ा, तो इसके अंदर आपको शो जो दिखेगा वो चीज़ है कि एक ग्राउंड के साइड से हमारा फीडबैक लिया गया, दूसरा जो है आफ्टर आफ्टर फ्यूज रेजिस्टेंस, फ्यूज रेजिस्टेंस को क्रॉस करके भी जो है फीडबैक लिया गया। इसका मतलब कि ग्राउंड जो है बिफोर फ्यूज रेजिस्टेंस का भी ले रहा है ये, और आफ्टर फ्यूज रेजिस्टेंस का भी ले रहा है। तो अगर यहाँ पर ग्राउंड नहीं आ रहा है तो भी इसको पता चलेगा, और यहाँ पर ग्राउंड नहीं आ रहा है तो भी इसको पता चलेगा। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई कि ये हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ये इसका जो है ये फीडबैक क्लियर हो गया। फिर दूसरा जो है कैसे कि इंजेक्टर नंबर 1 नहीं काम कर रहा है, 2 नहीं काम कर रहा है, 3 नहीं काम कर रहा है, 4 नहीं काम कर रहा है, वो कैसे जो है क्रिएट होता है। तो वो क्रिएट होने के लिए जो है जैसा ही हमारे इसके गेट पे जो पल्स आता है इंजेक्टर ड्राइवर से, तो ये ग्राउंड यहाँ से आउट होता है, किसको जाता है इंजेक्टर के पिन में जाता है। तो जब जैसा ही ये वोल्टेज आउट होगा वैसा ही एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो है हमारे ये आईसी पर आ जाएगा, इंजेक्टर आईसी पर, जिसका नंबर है 30306। सेम जो है इसका 37 पिन नंबर 37 पर आ जाएगा। फिर दूसरा वाला मॉस्फेट पे जो है इसके गेट पर जो है ड्राइव मिलेगा इंजेक्टर ड्राइवर से, तो यहाँ का ग्राउंड फिर से यहाँ आउट होगा, ये जाएगा इंजेक्टर का पिन पर, एक पिन पर, और ये फिर से जो है ये वाला जो वोल्टेज जो है आया है कि नहीं, यहाँ पे ग्राउंड आउट हुआ है कि नहीं, ये वाला फीडबैक फिर से वापस किसको पता चलेगा, हमारे इंजेक्टर ड्राइवर को। सेम जो है इसी तरह इसके गेट पर ड्रेन, इसके गेट पर जो है वोल्टेज आएगा, सप्लाई आएगा इंजेक्टर ड्राइवर से, ये वाला ग्राउंड यहाँ आउट होगा और ये चला जाएगा इंजेक्टर के पिन पर, और वही जो है वो ग्राउंड जो है फीडबैक बनकर जो है चला जाएगा पिन नंबर 35 पर, और सेम इसी तरह जो है इसका फीडबैक चला जाएगा 37 पर। तो ये इस तरीके से जो है इसका काम होता है, इसका वर्किंग है कि किस इसके लिए जो है इसको पता चल जाता है, तो ये फॉल्ट कोड जो है क्रिएट करवा देता है प्रोसेसर के थ्रू। प्रोसेसर में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग जो होता है वो टाइप करके पहले रखा रहता है कि ये हाई वोल्टेज ये लो वोल्टेज, दो ही सर्किट जो भी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल है उसके अंदर दो ही सर्किट ट्रेवल करता है, एक हाई सर्किट एक लो सर्किट। तो हाई लो, जैसा कि ये लो हो गया तो हाई लो जो बन रहा है कि नहीं बन रहा है वही चीज़ ये सेंस करता है और ये बताता है प्रोसेसर को, प्रोसेसर जो है फॉल्ट कोड निकाल देता है। तो होप करता हूँ गाइज ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा। तो अगर इससे आपको नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो बस आज के लिए इतना, फिर एक दूसरे वीडियो में फिर एक नई चीज़ के ऊपर बात करेंगे, नया सेक्शन को समझेंगे। एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है MD1 BS6 का ECM, तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो उसके ऊपर भी वीडियो, अभी टाइम काम भी नहीं रहता, टाइम भी नहीं मिलता है, और कुछ YouTube से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ने मुझे बोला है कि डायरेक्ट जो है रिव्यू वाले से मेरा वीडियो को डाउनलोड कर लिया जाता है, मतलब उसको देखा नहीं जाता। आप जब तक देखोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, देखोगे नहीं कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वीडियो से किसी को हेल्प हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं लोग कि डायरेक्ट जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं और रख लेते हैं और वो बाद में देखते रहते हैं। तो आपको देखना ही है तो आप यूट्यूब पर देखिए, उससे क्या है मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको जो डाउट रहेगा वो कमेंट में लिखिए, मैं हर एक का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ तो हमारा टीम है वो कर देता है रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई करता ही है, ठीक है। चलिए गाइस बस आज के लिए इतना, सो थैंक यू।